अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, शाह न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। मरकजी रियत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दकन ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि माह शवाल का चांद की रियत के जिमन में मरकजी रियत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दकन की जानिब से वसीतर इंतजाम किए गए थे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं पर अबर आलूदा होने के सबब और अक्सर मुकाम पर मसला साफ होने के बावजूद भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। हमारे तेलंगाना की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। इसी बिना पर अहकाम शरिया मजलिस उलमाए दकन ने यह ऐलान कर दिया है कि कल बरोज जुमेरा 30 रमजानुल मुबारक है और 14 मई जुमे के दिन ईद उल फितर होगी। पेश है शान न्यूज से ये तफसीली रिपोर्ट। ताजा और अहम तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد بزرگان ملت برادران عزیز ماہ شوال کے چاند کی رویت کے ضمن میں وسیع تر انتظامات مرکزی رویت ہلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن کی جانب سے کیے گئے۔ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं कहीं अबर आलूद होने के बावजूद अक्सर मकामात पर मतला साफ था। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, मद्रास और आपके आंध्रा, बेंगलोर, इन तमाम मकामात और गुजरात, इन तमाम मकामात पर मतला साफ था। इसके बावजूद भी चांद नज़र नहीं आया और हमारे हैदराबाद, तेलंगाना के इलाके और इसके अतराफ के महाराष्ट्र, कर्नाटक के इलाकों में भी मतला साफ था लेकिन चाँद नज़र नहीं आया। इस बिना पर तहत अहकाम शरिया सदर मजलिस उलमाए दकन ये ऐलान करती है कि कल 30 रमज़ान मुबारक है और जुमे के दिन यानि 14 मई को ईद है। आप सबको अल्लाह सलामत रखे। والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد ناظرين الكرام، مركزي رؤية الهلال كميتي صدر مجلس علماء دکن کی جانب سے حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب शेख उल जामे निज़ामिया ने अभी रुयत हिलाल का ऐलान फरमाया, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। और मुख्तलिफ मुल्क के मकामात से अदम रुयत की इत्तला मिली, कई मकामात पे अबर आलूद है मतला और कई मकामात पर चांद नज़र नहीं आया। लिहाजा तहत अहकाम शरिया मुफ्ती साहब ने जो ऐलान किया है कि कल जुमेरात को 30 रमज़ानुल मुबारक होगी। अल्लाह ताला आप सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक टीवी न्यूज़ वाले मेरे पास मगरिब से पहले आए थे, मैंने अपनी तरफ से अपने ख्याल का इजहार कर दिया है। सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, वो ये जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल था उसमें तफसीली तौर पर मैंने बयान कर दिया है। मैं ये लॉकडाउन की मजम्मत करता हूँ। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।